हूँ अपने यूट्यूब परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों का मेरे पास और टेलीग्राम पे, कुछ लोगों का इंस्टाग्राम पे और कुछ लोगों का कमेंट बॉक्स में ही जो है सवाल आ रहे हैं कि सर, जो काउंसलिंग हम लोगों का हुआ है ना, उसके अनुसार चॉइस फिलिंग भी हमने जो है चेंज करके फिर से किया। मैंने फर्स्ट टाइम में जब अगस्त में हुआ था उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, तो फिर से रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग किए। तो सर, हम लोगों का फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट है वो कब आएगा, ये सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो, जो 8 सितंबर को अपडेट दिया गया था उसके अनुसार यहाँ पे ऑलरेडी डेट मेंशन किया गया है कि फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट 25 सितंबर को जारी किया जाएगा और सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट 7 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। इसके अलावा जो और सवाल आ रहे हैं वो है कि सर, मैं कॉलेज में गया था सर, और कॉलेज में जाने के बाद मुझे जो है सर्टिफिकेट तो मिल गया, अब मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से नहीं मिला है सर। ठीक है, अलग से नहीं मिला है, मेरे को जो PLC मिला है ना, यानी पॉलिटेक्निक लिविंग सर्टिफिकेट जो मिला है उसी पे लिख दिया गया है कि सर, आपका कैरेक्टर स्वच्छ और शुद्ध था, इस तरीके का मतलब लिख दिया गया है। तो क्या फिर से मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे? तो बिल्कुल नहीं, टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके कॉलेज के तरफ से लिख कर दे दिया गया है कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी यही वैलिड होगा PLC ही, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के भी कई सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जहाँ पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से आपको जो है प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि हमको जो है नहीं मिला है तो क्या करें, अलग से बनवाना पड़ेगा क्या, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। जो अगर आपको लिख दिया गया अच्छी बात है, नहीं भी लिखा हुआ रहता तो भी आपको ज़रूरी नहीं है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड होता है। अगर आपको नहीं मिला है तो भाई ठीक है, नेचर्स का ठीक है। ओके, अगर कोई और भी सवाल है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब हम और हमारी टीम पूरी तरीके से देने की कोशिश करेगी। थैंक यू।